हेलो फैमिली, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मैंने अपना काम जल्दी जल्दी फिनिश कर लिया है और इसमें बज रहे हैं सुबह के 10:15। तो बताती हूँ मैं आप लोगों को मैंने अपना काम जल्दी फिनिश क्यों किया है। हर रोज़ मैं पेंडिंग में रहती थी कि आज ये नहीं, चलो कल करती हूँ कल करती हूँ, और आज मैं उठी थी जल्दी। और क्यों उठी हूँ ये भी बतलाती हूँ। और मैं आप लोगों को स्पेशली दिखला रही हूँ कि आप लोग हमेशा सोचते होंगे कि मैं हमेशा एक ही दो सूट में क्यों वीडियो बनाती हूँ या क्यों ब्लॉग बनाती हूँ, कि मैं अच्छे से रेडी नहीं होती हूँ। कभी भी मैं ऐसे ही ऐसे झल्ले सी रहती हूँ। तो आप लोगों को दिखलाती हूँ मैं क्या लाई थी। तो ये देखिए, ये है मेरा ऑलवेज फेवरेट ब्लू कलर, स्काई कलर, डार्क नेवी ब्लू कलर। मतलब मेरे पास जितने ब्लू कलर है, जब अपनी बेटी से बोलती हूँ बाबू कोई मेरा सूट निकाल लो पहनने के लिए, तो पूछती है कौन वाला ब्लू निकालूँ, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, इस तरह से वो बहुत सारे पूछती। कहती माँ आपके पास बहुत सारे ब्लू हैं, अब तो मत लाया करिए ब्लू। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है। और उस दिन जब मैं मार्केट गई तो ये स्काई कलर मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था कि मैं इसको छोड़ नहीं पाई और लेकर आई हूँ। आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोगों को कैसा लगा। और इसकी चुन्नी जो है डेमो है, डेमो दिखलाती हूँ इस तरह से। ये इसकी चुन्नी है और ये मैं लहरिया पे एक सूट लाई हूँ, ये मुझे बहुत पसंद आया था इसका वर्क। ये है लहरिया पे, आप लोग इसकी लहर देख रहे होंगे लहरिया। और ये इस पर आप लोग देखिए कितना महीन वर्क है। और ये जो इसकी छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये इसका वर्क है मशीन का वर्क है, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। और क्योंकि मैं ज़्यादा तामझाम वाले कपड़े नहीं पहनती, मुझे सिंपल सोवर ही पसंद आते हैं। और तो आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये है। और इसकी चुन्नी मैं आप लोगों को दिखलाती हूँ, इसकी चुन्नी ये क्या, इसको कौन सा कलर बोलते हैं, पर्पल या वाइट कलर, मुझे कलर का अंदाज़ा नहीं है इसका। ये आप लोग इसको क्या बोलोगे, मेरे हिसाब से तो ये मैजेंटा मैं इसको बोलती हूँ। ये इसकी चुन्नी है, पर इस बार मैं अपनी इस चुन्नी से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लार्ज चुन्नी लेने की हैबिट है। कम से कम 2 या 2.5 मीटर की मैं चुन्नियाँ लेती हूँ, जो दोनों तरफ बराबर इक्वल लटकती है। मैं वन साइड चुन्नी है ऐसे ही लेती हूँ, तो जो दोनों इक्वल तरफ लटकती है बहुत अच्छा लगता है। और एक और सूट दिखाती हूँ, ये बहुत लंबे समय से मैं इसको ढूंढ रही थी और बहुत दिनों बाद मुझे ये मिल पाया। मैं अक्सर ढूंढ ढूंढ के छोड़ आती थी, क्योंकि मेरे मनपसंद मुझे नहीं मिल पा रहा था। ये ब्लैक, मुझे ब्लैक कलर पहनने का बहुत दिनों से मन था। तो ये इसकी एम्ब्रॉयडरी ये देखिए गले पे आएगी। आप लोगों को कैसा लग रहा है, और शायद मेरे ऊपर भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना? कैसा लग रहा है प्लीज़ सिस्टर लोग बताइए मुझे कैसे लग रहा है ये मेरे ऊपर। आई थिंक अच्छा लगेगा, ज़रूर से ज़रूर अच्छा लगेगा। और इसकी जो सलवार का कलर है, ये इसकी सलवार का कलर है, लेकिन मैं तो ऑलवेज पैंट पहनती हूँ, कुर्ती विद पैंट। और ये इसकी चुन्नी है, इसकी चुन्नी से भी मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये टाई एंड टाई वाली चुन्नी है ये देखिए। और अभी दो सूट और मेरे भी रखे हुए हैं अनस्टिच करे हुए, तो आज मैं इसीलिए जल्दी से रेडी हुई हूँ कि आज मैं जाकर इनको स्टिच करने के लिए डाला हूँ। लेकिन ये सोचकर भी नहीं जा रही थी मैं कि अभी गरु दिन चल रहे हैं। गरु दिन हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसको पितर पक्ष चलते हैं, तो इस वजह से इसमें ना नया कपड़ा खरीदते हैं और ना नया कपड़ा पहनते हैं। तो ये मैंने पितर पक्ष लगने से पहले ख़रीदा था और बहुत लंबे टाइम से, हाँ रक्षाबंधन के टाइम मैंने ख़रीदा था कि रक्षाबंधन में मैं कुछ न्यू पहनूंगी। तो जो रक्षाबंधन में मुझे पहनना था, मैंने उसको तुरंत अपने टेलर को देकर जस्ट सिलवा लिया था 24 आवर्स के अंदर, और ये बाकी के रह गए थे। तो देखते हैं आज जा पाती हूँ या नहीं। अभी तो मैं अपनी बेटियों का वेट कर रही हूँ उनको स्कूल से आने का। दोनों के एग्ज़ाम चल रहे, नहीं बड़ी वाली के एग्ज़ाम चल रहे, छोटी वाली के
रिवीजन चल रहा है, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि आप लोगों को मेरे सूट कैसे लगे और आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देखते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके बाय बाय, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।